हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय गुरुजी सबको मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दही के शोले। उसके लिए मैंने 1 किलो दही को हैंग करके रख दिया था, आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा। और ये देखिए कितना सारा पानी उसमें से निकल रहा है, मुझे तो लग रहा है 250 ग्राम पानी निकल जाएगा। और सुबह का टाइम है, ये भी मेरे साथ उठ चुका है अथर्व जी, और 6 बज रहे हैं, 6:30 के करीब हो रहे हैं इस टाइम पे। हमने सोचा नाश्ते की तैयारियाँ जल्दी कर लें, भूख लग रही है, नींद नहीं आई थी, तो हमने ब्लिंकिट्स ऑर्डर करी हैं सारी सब्जियाँ। और मैंने भी नहा धो लिया है क्योंकि नहा के ही मैं नाश्ता बनाती हूँ। सारी सब्जियों को अनपैक कर लिया मैंने क्योंकि ब्लिंकिट्स आई हैं तो इनको पैकेट्स में आती हैं, अच्छे तरीके से फ्रेश होती हैं, बट मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ बाहर से रेडी वालों से ही लेना। और फिर उसके बाद में मैंने इसको सब्जियां कट कर करके दी, और ये चॉपर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कटर है, बहुत फाइन चॉप करता है सारी सब्जियां एक जैसे। तो इसमें इसने इसको कट करा, और बच्चे इजीली इसको कर लेते हैं, तो आप बच्चों को ऐसे टास्क में इंक्लूड कीजिए ताकि वो इन्जॉय भी करें और सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा फ़ोन से दूर रहें। उसके बाद सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं। जब मैंने बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर अभी कट करना है, हरी मिर्च और कट कर लिया है। और उसके साथ में मैं एक चटनी भी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही फ्लेवर चटनी लगती है, आप किसी के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हो। आप चीला बनाओ, आप कोई भी नाश्ता बनाओ, बहुत अच्छी लगती है ये। गार्लिक को और मोटी वाली हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है नाइफ की हेल्प से, क्योंकि ये मैंने उसमें कटर में नहीं कट करा, मैंने हाथों से ही कट करा है। अब इसके साथ में ही ये सारे वेजिटेबल्स को हमें मिक्स करना है। ये जो एक पॉइंट है ना, मिक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप 1 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि एक एक बाइट में टेस्ट आए। फिर हैंग कट को हमने ले लिया एक बाउल में, और उसके साथ में सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसकी फिलिंग बना रहे हैं जो दही के शोलों की बनती है, वो दही से ही बनती है। और ये वाली फिलिंग आप सैंडविचेस में भी ट्राई कर सकते हो। मैंने बच्चियों को सैंडविच बनाया, बहुत टेस्टी लगा। बच्चों को स्कूल में दीजिए, लंच में दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये फिलिंग जो होती है दही की और वेजिटेबल्स की, और बच्चे वेजिटेबल्स भी खाते हैं। अब इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स करा है मैंने, बहुत अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में जो भी स्पाइसेस आपको डालने हैं, नमक, मिर्च, आपको गरम मसाला डालते हैं गरम मसाला डालिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालिए, हल्का सा जीरा भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपको बेटर लगता है वो मिक्स करके बनाइए। देन एक तरफ मैंने जार में मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और हरा धनिया लिया है, और इसके साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा के करीब, और उसके साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डालूंगी मैं आमचूर पाउडर। और इसके साथ में जो इसके अंदर सबसे मेन चीज आएगी वो आएगी इसमें दही, जो मैंने हैंग करके रखा था दही, वो दही और जो उसका पानी था। ये देखिए, ये जो पानी है ये आप यूज कीजिए आटा गूंदने में, आप किसी सब्जी में डाल दीजिए, इसको बचा के रखिए, कड़ी में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये होता है हैंग कट का पूरा प्रोसीजर, जिसमें आपको इसको हैंग करके रखना होता है, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ओवरनाइट अगर आपको इसको रखना है, ज़्यादा दही है तो आप इसको फ्रिज में रखिए ताकि ये खट्टा ना हो। मैंने थोड़ा दही लिया था, 1 किलो के करीब था, बट मेरे को टाइम लग गया, बट खट्टा नहीं हुआ। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको मैंने चटनी में मिक्स किया, जो मैंने आपको बताया था कि चटनी में इसको मिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या इसके पानी को भी मिक्स कर सकते हो आप, और नॉर्मल दही को भी मिक्स कर सकते हो, जब बिना उसके बनाइए कभी तो। उसके बाद ब्रेड को लीजिए, ब्रेड के साइड्स को कट कर लीजिए प्रॉपरली अच्छे से, क्योंकि कट करने के बाद जो इसका हमें प्रोसीजर है वो उसको बेलन से हमें बेलना है, और जो कटिंग वाले साइजेस हैं इनको आप रख लीजिए ब्रेड क्रम्स के लिए, जो किसी और डिश में ज़रूर काम आते हैं। इसको फिर अच्छे से बेलना है आपको पूरी तरीके से, बहुत नॉर्मली ईजिली हो जाता है, बहुत हार्ड नहीं होता। बस उसके बाद ये देखिए, जब स्वाद चाहिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2 पीसेस को लेना है। इसमें एक बात याद रखिएगा, जो मुझसे गलती हुई है, कि आप हमेशा ना इसके अंदर बड़ी वाली ब्रेड यूज़ कीजिएगा जो हमारी सैंडविचेस के लिए आती है, क्योंकि ये ब्रेड बहुत छोटी पड़ी थी और मेरे को थोड़ा सा मुश्किल आया था उसके कॉर्नर्स को बनाने में। बट इस पर आप पानी लगाइए उसको ज्वाइन करने के लिए, 1 चम्मच करीब आप फिलिंग रखिए इसके अंदर, और फिर उस ब्रेड को इससे ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना ही बहुत जरूरी है, कि नहीं तो इसकी कटिंग नहीं हो पाती है बाद में, और ये निकलने के भी चांसेस होते हैं, बिकॉज ये दही की फिलिंग होती है तो ये निकल भी सकती है गर्म में जाके। देन उसके बाद आप रोल कीजिए अपने ब्रेड्स को धीरे धीरे, बहुत प्यार से, बहुत लाइटली, ये चिपकते जाएंगे क्योंकि आपने सारे एंड्स पे पानी को लगाया है। और ये पन्नी मैंने इसलिए लगी क्योंकि पन्नी को ही आप जब डिफरेंट साइड्स पे आप ट्विस्ट करेंगे तो जो कॉर्नर्स आपको मिलते हैं दही के शोलों में वो आपको मिलेंगे, जो हमें इसमें नहीं मिले, बिकॉज ये ब्रेड छोटी थी। देखिए, इसको दोनों तरफ ट्विस्ट कर दीजिए। वीडियो मेरा बेटा बना रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, पर मैं आपको समझा रही हूँ। पर्सनली भी आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि दही के शोले में आप मतलब ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं, जो भी आपको पूछना हो, बिकॉज दही के शोले बहुत ही अच्छी डिश है। आप किसी को भी बना के खिलाइए, गेस्ट आए, घर पे खाइए, चाय के साथ खाइए, स्नैक के साथ खाइए, बहुत बहुत पसंद आने
करने वाली चीज है ये। उसके बाद अगेन मैंने दिखाया आपको कि इसको ट्विस्ट करना है आपको, और उसके बाद आपको लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, ब्रेड जल जाएगी, अंदर की स्टफिंग कच्ची नहीं होती है बट स्टिल थोड़ा सा गर्माइश से वो थोड़ा अच्छी हो जाती है। उसके बाद में रेडी है, कटिंग कर लीजिए इसको, और ये देखिए दही के शोले कितने अच्छे लग रहे हैं विद द चटनी, आप खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए।